दिवस के मौके पर योग गुरु रामदेव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत हजारों लोगों के साथ नांदेड़ में योग किया। इस दौरान रामदेव और सीएम फडणवीस ने योग के कई आसन किए। वहीं रामदेव ने लोगों को योग के फायदे भी गिनाए। यूएन के अंदर इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव रखा और 177 देशों के समर्थन के साथ आज तक का ये सर्वाधिक समर्थन के साथ यूएन के अंदर कोई प्रस्ताव पारित हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव था। और इस योग के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत का गौरव होता है। और मुझे प्रसन्नता है, आप एक सुनिश्चित परिवेश में, एक सभ्य वेशभूषा में, एक सात्विक आप परिधान में यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के विद्यार्थियों से लेकर के हमारे अलग अलग फोर्सेस के जवान और आम नागरिक इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भागीदार हो रहे हैं। मुझे लगता है यह नांदेड़ की धरती पर भी सुबह 5 बजे के कालखंड में होने वाला आज तक का यहाँ का भी सर्वाधिक ये एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि नांदेड़ में। योग दिवस पर अहमदाबाद में कार्यक्रम रखा गया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी लोगों के साथ योग किया। सरकार ने दावा किया कि गुजरात में 1,51,00,000 लोगों ने योग किया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस मौके पर अहमदाबाद में भी कार्यक्रम रखा गया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी लोगों के साथ योग किया और साथ ही सरकार की तरफ से यह भी दावा किया गया कि गुजरात में 1,51,00,000 लोगों ने योग किया। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मुंबई में आईएनएस विराट पर भी योग दिवस मनाया गया और इस मौके पर नौसेना के कर्मचारियों ने आईएनएस विराट पर योग मुद्राएं की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। तो पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जहां देश के अलग अलग हिस्सों में योग किया गया, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की। मुंबई में आईएनएस विराट पर भी योग दिवस मनाया गया और इस मौके पर नौसेना के कर्मचारियों ने आईएनएस विराट पर योग मुद्राएं की, जिसमें महिलाएं तो शामिल थी ही, साथ ही बच्चे भी इसमें शामिल नजर आए। सभी ने मिलकर योग किया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्म एक्टर शिल्पा शेट्टी ने लोगों को योग के गुर सिखाए और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिल्पा शेट्टी के साथ योग किया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बर्फ के पहाड़ पर और जमा देने वाली ठंड के बीच किया योग। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भी योग किया जवानों ने, जमा देने वाली ठंड के बीच योग मुद्राएं की, योगासन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पाकिस्तान में भी भारतीय उच्चायोग में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया के साथ साथ दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। इस दौरान सभी लोगों ने अलग अलग तरह के योग आसन भी किए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग की। रोहतांग पास में आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। समुद्र तल से करीब 13,050 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच -10 डिग्री तापमान में जवानों ने योग किया। जवान रोहतांग में कड़ाके की ठंड के बीच सुबह 6 बजे ही योगासन कर दुनिया को योग का संदेश देते नजर आए। तो देख सकते हैं आप रोहतांग पास की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में -10 डिग्री के बीच जवानों ने योग किया। आईटीबीपी के जवान जो कि योग करते नजर आए। बेहद ऊंचाई पर रोहतांग पास और इस सबके बीच योग करते आईटीबीपी के ये जवान जो कि सुबह सुबह पहुंचे थे और -10 डिग्री के बीच इन्होंने
13,050 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच योगासन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। गैंगटोक में -15 डिग्री तापमान के बीच 19,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने योग किया। इस दौरान जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। -15 डिग्री की कपकपा देने वाली ठंड के बावजूद जवानों ने योग किया। तो सिक्किम के गैंगटोक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टेम्परेचर था -15 डिग्री, बावजूद इसके 19,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवान योग करते नजर आए और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि आप कहीं पर भी हो लेकिन अपनी जीवन शैली में योग को जरूर शामिल करें। जवानों का हौसला देखते ही बन रहा था। -15 डिग्री की कपकपा देने वाली ठंड के बीच इन जवानों ने योग किया।